टेबल और हाई कीजिए या लो कीजिए या संख्या बढ़ाई, बेझिझक बताइए तो आप लोगों को आप लोगों की सारी जरूरतों को जो है उसे रिस्पॉन्ड करने के लिए थोड़ा टाइम। हाँ बिल्कुल, हाँ मैंने देखा उस कमेंट को और मैं अब बिल्कुल इस पर ध्यान दूंगी। आज तो आज आपका है शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में हमने कल थोड़ी बहुत चीज़ें देखी थी। और वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? आठ। जो सबसे पहले या पुराने थे वो कितने थे? चार। सबसे नवीन कौन सा है? शास्त्रीय, जो शास्त्रीय नृत्य है ये है। मैंने बात किया था कि आपका जो शास्त्रीय है कहाँ का है? असम का है। इसको लोकप्रिय किसने बनाया था? इसमें महिला और पुरुष दोनों मिलकर डांस करते हैं। तो ये सारे आपके निर्देश।
ओडिसी नृत्य भी जो है उड़ीसा का है और इसको भी आपने देखा कि बाद में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है। और इसमें जो थीम होता है वो राधा कृष्ण से जुड़ी जो कथाएं हैं उन्हीं को इसमें थीम बना करके डांस किया जाता है। इसके अलावा जगन्नाथ जो भगवान है पुरी का मंदिर उन्हीं के नाम में बना है, तो जगन्नाथ भगवान की उनके ओडिसी जो डांस होता है इसके थीम में शामिल होते हैं। इसके अलावा इनसे कुछ जुड़े हुए कलाकार हैं कि कौन से डांस से कौन से कलाकार जुड़े हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ के आठ हो गए शास्त्रीय नृत्य और उनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं। और इसके अलावा आपका कथक, जो कथक है इसका मतलब होता है कथा कहना। पहले के टाइम में मंदिरों में जो पंडित जी होते थे, जो ऐसे लोग होते थे, वो कथा कहते थे, जो भी पौराणिक कथाएं होती थी उसको सुनाते थे और उसी से उनका जीविकोपार्जन चलता था। धीरे धीरे उन्होंने कथा कहने के साथ साथ डांस करना भी शुरू कर दिया, यानी कि शारीरिक एक्टिविटीज भी करना शुरू कर दिया लोगों का मनोरंजन बढ़ाने के लिए। और फिर ये डांस और कथा दोनों इसमें शामिल हो गया। आगे चल करके क्योंकि उत्तर भारत में विदेशियों का आक्रमण हुआ, ईरानी, यूनानी, फिर आपके अरेबियन, मुगल सबका आक्रमण हुआ, तो आगे चल करके इसमें जो प्रभाव आया वो ईरानियों का और जो आपके उर्दू कल्चर का, इन दोनों का प्रभाव आ गया। और यहाँ की जो उर्दू कविताएं हैं, जो ईरानी कविताएं हैं, नाटक है, इनको भी शामिल कर लिया गया कथक में। यानी कि वो कथक जो अभी मंदिरों में अभी तक किया जाता था, लोगों के द्वारा कहानी कही जाती थी, अब वो दरबारों में भी आ गया। अब दरबार में वो ईरानी और जो है उर्दू परंपरा की कविताओं और नाटकों पर भी डांस किया जाने लगा और दरबारों की शोभा बढ़ाई जाने लगी कथक के द्वारा। और कथक का जो विस्तार है एक बड़े क्षेत्र में हो गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन पूरे क्षेत्रों में कथक फैल गया। और जो कथक को सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया है वो आपके लखनऊ के अंतिम नवाब जो है वाजिद अली शाह, इन्होंने ही सबसे ज्यादा इसका विकास किया। ये क्वेश्चन आया है कि कथक को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाने वाले कौन से व्यक्ति थे, वाजिद अली शाह थे और ये आपके लखनऊ के अंतिम नवाब भी थे। इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए, हिस्ट्री की टीचर हूँ तो बता देती हूँ, ये इतने आलसी थे कि जब 1857 की क्रांति हुई और अंग्रेजों ने इनके महल पर हमला बोला पकड़ने के लिए, चूंकि ये भी शामिल थे तो ये इसलिए नहीं भागे कि इनके नौकरों ने इनको जूता नहीं पहनाया। अगर कोई इनको जूता पहना देता तो ये भी वहां से भाग जाते, लेकिन इतने आलसी थे कि वो खुद जूता नहीं पहन सकते थे, वाजिद अली शाह। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया और जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये शायर भी थे, इन्होंने कुछ बहुत अच्छे श्लोक भी लिखे हैं जो कि हिस्ट्री में मैंने बताया है। तो ये वाजिद अली शाह जो है ये काफ़ी आलसी प्रवृत्ति के थे, लेकिन डांस वगैरह में इनको काफ़ी इंटरेस्ट था और इन्होंने कथक को बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय बनाया है। और कथक से ही कुछ घराने निकल करके आए, लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना, ये जो घराने हैं ये कथक के ही हैं। अगर क्वेश्चन बन जाए कि कौन से शास्त्रीय नृत्य के घराने हैं तो कथक के ही हैं। इन घरानों से अलग अलग व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं, जैसे लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये सब लखनऊ से जुड़े हुए हैं, इंदादीन, ऐसे ही आपके बहुत सारे जो लोग हैं, सितारा देवी बनारस घराने से। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन किस घराने से जुड़ा हुआ है और ये घराने किससे जुड़े हुए हैं, ये सब आपका किससे जुड़ा हुआ है, कथक से, जो कि इसका क्षेत्र सबसे ज़्यादा ब्रॉड है, ये कई राज्यों में फैला हुआ है और इसमें आप देख रहे हैं विदेशी कला का भी प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करेंगे आपका जो लोक नृत्य है, ये सारे आपके शास्त्रीय नृत्य थे। लोक नृत्य जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें एक चीज़ और भी, मणिपुरी के तीन हिस्से भी हैं, यानी कि मणिपुरी के तीन और भी पार्ट हैं, जिसमें एक है रासलीला। रासलीला आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, लेकिन ये मणिपुर का भी है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि रासलीला किन राज्यों का लोक नृत्य है तो यूपी का भी है प्लस मणिपुर का भी है। इसके अलावा मैंने थांगटा के बारे में बताया था कि थांगटा जो नृत्य है ये कहाँ का है, सिक्किम का है, लेकिन ये पार्ट किसका है, मणिपुरी का। थांगटा नृत्य भाग किसका है, मणिपुरी का। और ये भी एग्जाम में आईएएस ने क्वेश्चन बनाया कि कौन सा नृत्य है जो वीर योद्धाओं के ऊपर किया जाता है या जिसका थीम जो है वो युद्ध होता है या वीरता होती है, तो थांगटा ये जो है युद्ध जैसे किया जाता है उस तरह से ये नृत्य किया जाता है थांगटा। ये फेमस है आपके सिक्किम में, लेकिन पार्ट है ये मणिपुरी का। इसके अलावा संकीर्तन, संकीर्तन भी आपका इसी मणिपुरी का पार्ट है जो कि असम में किया जाता है और इसका जो थीम है ये भी राधा कृष्ण की रासलीला है, याद रखेंगे। और इसमें नृत्य और डांस दोनों, ठीक है, दोनों बातें मतलब तीन तक याद रखेंगे, संकीर्तन असम का है, डांस और नृत्य दोनों होता है और थीम क्या होता है, राधा कृष्ण की रासलीला होती है। पार्ट किसका है, ये मणिपुरी का है। ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं आपको।
संस्कृत की बात करेंगे तो राव थमाली एग्जाम में आया है जम्मू कश्मीर का। राव और थमाली ये दोनों कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं और एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा चकेरी और हिक्काक भी यही का है, हालांकि भी एग्जाम में नहीं आया लेकिन आगे आ सकता है। चकेरी और हिक्कात, चकेरी हिक्कात राव और थमाल, ये चार नृत्य जो है ये जम्मू कश्मीर के ये लोक नृत्य है। इसके अलावा जाब्रो ये लद्दाख का है, एक ही नृत्य है जाब्रो लद्दाख का है। भांगड़ा तो सबको पता है पंजाब का है, गिद्दा भी सबको याद होगा पंजाब का है, यही दोनों एग्जाम में बार बार आते हैं और ये दोनों याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे मालवी गिद्दा और कीकली भी किया जाता है। और एक आपका पुंग चोलम है, पुंग चोलम जो है ये मणिपुर का है, मणिपुर का एक नृत्य है पुंग चोलम, याद रखेंगे। इसके अलावा केरल में और भी लोक नृत्य होता है, जैसे वहाँ का हमने शास्त्रीय नृत्य देखा लेकिन वहाँ पे लोक नृत्य भी है जिसमें आपका है ओट्टम फुल्लाल रामा नट्टम, ओट्टम फुल्लाल रामा नट्टम, कोथू भी है और कुडियाट्टम भी है, कोल्लम थुलाई, ये सब केरल का है, कोल्लम थुलाई कुडियाट्टम। भगोरिया एग्जाम में आया है, भगोरिया लोक नृत्य किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है, एमपी का है, एक नृत्य इम्पोर्टेंट है भगोरिया। इसके अलावा है मुखौटा, ये भी आया है कि मुखौटा नृत्य कहाँ का है, मुखौटा हिमाचल का है। इसके अलावा नाटी भी एग्जाम में आया है, ये भी हिमाचल का है, मुखौटा नाटी दोनों याद रखेंगे। और इसके अलावा छाम भी यही का है, छाम भी इम्पोर्टेंट है। गरबा और डांडिया ये भी एग्जाम में आया है, कहाँ का है? गुजरात का है, गरबा और डांडिया गुजरात का है। और साथ ही आपका है जो है गरबा डांडिया दोनों याद रखेंगे। हाँ, राजस्थान का जो घूमर है, भवई है और कालबेलिया, ये तीन लोक नृत्य घूमर भवई कालबेलिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया आईएएस में आया था, क्वेश्चन पूछा था उसमें कि इसके बारे में कौन सा कथन सही है, तो पहला तो कालबेलिया राजस्थान का है, दूसरा कालबेलिया को विश्व प्रसिद्ध किसने किया है, ये नाम याद रखेंगे गुलाबो, गुलाबो नाम की महिला है, इन्होंने ही इसको विश्व में प्रसिद्ध किया और इसको शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में। और यूनेस्को की सूची में मूर्त अमूर्त दो तरह की चीजें शामिल होती हैं। मूर्त में आपके सांस्कृतिक प्राकृतिक और मिश्रित होते हैं जो टोटल मिला के इस समय 40 है। अमूर्त जो है उसी में आपका कालबेलिया नृत्य 2010 में शामिल किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2010 में कालबेलिया को यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान का लोक नृत्य है, विश्व प्रसिद्ध बनाया है गुलाबो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है पंडवानी, छत्तीसगढ़ का है पंडवानी, एग्जाम में आया है, ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। कालबेलिया याद रखिएगा राजस्थान का है और तेरह ताली भी राजस्थान का है, तेरह ताली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान। रासलीला आपको पता है यूपी और मणिपुर दोनों का हो जाएगा। इसके अलावा जो चौलर है ये आपका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में किया जाता है चौलर। छऊ ये कहाँ का है? झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में होता है छऊ डांस। और ये मोस्टली लोग कब करते हैं? जब कोई शुभ अवसर होता है तब छऊ डांस ये लोग के द्वारा, जनजातियों के द्वारा किया जाता है छऊ, झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल छऊ। तमाशा एग्जाम में आया, तमाशा कहाँ का है बताइए? तमाशा और लावणी महाराष्ट्र का, तमाशा और लावणी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और ये दोनों एग्जाम में आया हुआ है, याद रखेंगे। एक है चोंगलेजान, ये इंपॉर्टेंट है, मिजोरम का है चोंगलेजान। इसमें जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति को जिन मतलब तकलीफों से गुजरना पड़ता है उसको डांस के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ऐसा डांस है चोंगलेजान, जो खुशी पे यानी कि खुशी के अवसर पर भी किया जाता है और दुख के अवसर पर भी किया जाता है, मिजोरम का डांस है चोंगलेजान, अजीब सा नाम है चोंगलेजान। और यहाँ का चेराव, इसको बांस नृत्य भी कहते हैं चेराव, ये सी डेट में बहुत ज़्यादा आता है। चेराव किस राज्य का डांस है, लोक नृत्य है, ये मिजोरम का है, मिजोरम का बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, चेराव भी आता है और आपका ये चोंगलेजान तो आईएएस में आया था। हाँ नहीं बेटे, ये मिजोरम का है, मिजोरम का है। कर्मा नृत्य उड़ीसा, कर्मा ये बहुत ज़्यादा फेमस नृत्य है, उड़ीसा झारखंड इन्हीं क्षेत्रों में, एमपी में भी होता है, छत्तीसगढ़,
कर्मा, और उत्तर प्रदेश का जो एक स्टेट जो चार राज्यों को टच करता है कौन सा है, क्या आपको पता है? यूपी का एक ऐसा जिला स्टेट में जिला डिस्ट्रिक्ट जो नहीं बेटी लखीमपुर तो ऊपर है, दक्षिण बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश यहाँ पे कर्मा होता है। यूपी में जब स्पेशल यूपी स्पेशल क्वेश्चन आता है तो पूछता है कि यूपी के कौन से जिले में कर्मा होता है, तो आपका सोनभद्र में होता है। और ये जिन जिन स्टेटों को टच करता है उन सब में कर्मा होता है, एमपी झारखंड छत्तीसगढ़ और बिहार कर्मा। ठीक है, चरकुला कहाँ का है? चरकुला यूपी का है ना, चरकुला ये ग्राम में आता है, चरकुला ब्रज भूमि का है लोक नृत्य चरकुला। चरकुला सरहुल त्योहार झारखंड छोटा नागपुर क्षेत्र में मनाया जाता है, ये फसल कटाई के अवसर पर जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। एग्जाम में आया है कि फसल कटाई के अवसर पर जनजातियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये आपका कौन सा है बताइए, सरहुल। ये इसको फूलों का त्यौहार भी कहते हैं, सरहुल को उस समय फूल वगैरह पेड़ में खिले रहते हैं, सरहुल त्यौहार को फूलों का त्यौहार कहा जाता है और ये जनजातियों द्वारा झारखंड में मनाया जाता है, फसल की कटाई पर मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब फसल काटते हैं तो उसको खुशी के रूप में एंजॉय करते हैं, सरहुल त्यौहार मनाते हैं, इसको फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। इसके अलावा यक्षगान बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, यक्षगान कर्नाटक का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यक्षगान यक्षगान कर्नाटक सरहुल झारखंड का है, यक्षगान कर्नाटक का है। कीर्तन व जात्रा, कीर्तन व जात्रा पश्चिम बंगाल का है, कीर्तन व जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक है लायन एंड पीकॉक, लायन एंड पीकॉक, लायन एंड पीकॉक नृत्य, ये आपके अरुणाचल प्रदेश का है। लायन यानी कि क्या कहेंगे इंग्लिश हिंदी में लायन को, और पीकॉक मोर, शेर और मोर का जो डांस है ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, याद रखेंगे। इसमें कुछ नाम है जैसे सोनल मानसिक, कौन से डांस से जुड़ी हुई है, उड़ीसी नृत्यांगना है, उड़ीसा जो उड़ीसा में होता है उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य, इसको करने वाले जो नृत्यांगना है सोनल मानसिक का नाम है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कूट में, एक तरफ सारे डांसर होंगे एक तरफ नृत्य, सोनल मानसिक ये उड़ीसी डांसर है, और मृणालिनी सारा भाई ये कथकली और भरतनाट्यम डांसर है, मृणालिनी सारा भाई, मृणालिनी सारा भाई कथकली और भरतनाट्यम, कथकली भरतनाट्यम दोनों की डांसर हैं। सितारा देवी कथक डांसर है, सितारा देवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बनारस घराने से जुड़ी हुई है सितारा देवी। बिरजू महाराज ये भी कथक डांसर हैं और ये लखनऊ घराने से जुड़े हुए हैं बिरजू महाराज। यामिनी कृष्णमूर्ति ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम डांसर है, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम डांसर है। लच्छू महाराज ये भी कथक के ही हैं और आपके लखनऊ घराने से जुड़े हुए हैं। आप क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा बच्चों, अब आपकी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक के चेहरे पर हरा लाल पीला एवं काला नटवरी नृत्य।
तो इसमें पूछा है कि नटवरी नृत्य के नाम से कौन सा नृत्य जाना जाता है, कथक जो है इस नाम से जाना जाता है। नहीं, कथक कथक कहते हैं नटवरी नृत्य। हाँ, कथक जो आपके यूपी में है ये कथक, क्योंकि जो नटवरी एक जनजातियाँ या ये जाति थी जो ये डांस किया करती थी कथक, इसी वजह से इसको नटवरी नृत्य भी कहते हैं। हाँ, अभी क्वेश्चन है आपका, कालबेलिया नृत्य के बारे में कौन सा कथन सही है, यह राजस्थान का प्रचलित लोक नृत्य है। दूसरा, यूनेस्को द्वारा इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नर्तकी गुलाबों ने इस नृत्य को देश विदेश में प्रसिद्ध किया। बिल्कुल सही। हाँ, अब ये बताइए जरा, हालांकि इसको मैंने आपको बताया नहीं है, उड़ीसा जो नृत्य है आपको उड़ीसा में प्रचलित है, उड़ीसा में, और इसके अलावा मैंने आपको जब पढ़ाया था चित्रकला तो बताएंगे कि कौन से जगह की जो मूर्ति या मूर्ति कला की बात करेंगे, तीन मूर्ति कला पढ़ाया है, गांधार, मथुरा और अमरावती। अमरावती मूर्ति कला की क्या विशेषता थी, याद है कुछ, संगमरमर का और सामूहिक होते थे, चलायमान होते थे और मोस्टली सारे जो होते थे वो त्रिभंग मुद्रा। ऐसे जो उड़ीसी नृत्य है ये जब किया जाता है नर्तकी के द्वारा त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। त्रिभंग मुद्रा ये क्या होता है, इसमें जो नर्तकी या नर्तक होगा उसका एक जो पैर होगा वो मुड़ा होगा और उसका जो कटी यानी कि कमर का पार्ट है और ग्रीवा यानी कि गर्दन ये भी अपोजिट साइड में वक्र होता है, यानी कि अगर पैर इधर को मुड़ा है तो कमर इधर को मुड़ेगा, फिर कंधा जो है इधर को मुड़ता है, यानी कि अपोजिट साइड में मुड़ता है, इसी को त्रिभंग कहते हैं। पैर जो है अपोजिट साइड में जाएगा, कमर और ग्रीवा भी एक दूसरे के अपोजिट साइड में जाते हैं, इसी को कहते हैं त्रिभंग मुद्रा। शरीर के तीन भागों को जो है अलग अलग दिशाओं में मोड़ना, भंग करना, तोड़ना भी त्रिभंग होता है। तो त्रिभंग मुद्रा अगर मूर्तियों में पूछे तो अमरावती की विशेषता है, शास्त्रीय नृत्य में पूछे तो आपका उड़ीसी की विशेषता है, ठीक है। और ये आईएएस में क्वेश्चन भी बना कि त्रिभंग मुद्रा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वही क्वेश्चन है आपके लिए, बताइएगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। तो आपके लिए ऑप्शन है कि देह मुख एवं हस्त की गति का प्रयोग स्वयं को अभिव्यक्त करने अथवा एक कथा कहने के लिए किया जाता है। दूसरा, प्रेम एवं श्रृंगार की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए मंद स्थिति, थोड़ी वक्र कटी एवं कतिपय हस्त मुद्राओं पर बल दिया जाता है। तीसरा, मुख अभिव्यंजना हस्त मुद्राएं एवं असज्जा कतिपय महाकाव्य अथवा ऐतिहासिक पात्रों को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए संयोजित किया जाता है। और चौथा, एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र किया जाता है। अगर नहीं पता रहेगा तो इतने भारी भरकम ऑप्शन दे देते हैं कि बच्चा गेस भी करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर ऑप्शन में कुछ विशेष बातें होती है, तो ये आईएएस के क्वेश्चन की विशेषता होती है, आईएएस का क्वेश्चन था। बाकी जो 2000 क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोगों को सॉल्व करना है, वहाँ भी जज करेंगे कि आपने कितना किया, एक दो घंटे के बाद एक दिमाग में कितना रह जाता है।